हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ्स के सेगमेंट में हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कार्य और समय वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। टाइम एंड वर्क का चैप्टर है हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और टाइप 6 के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए काम करना होता है, चूँकि एक टाइम और काम का चैप्टर ही है, समय और कार्य का चैप्टर ही है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इसी से बेस्ड होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी एक कार्य को करने में कुछ व्यक्ति कुछ टाइम लेकर के कर रहे होंगे, फिर दूसरा व्यक्तियों की संख्या या समय की संख्या संख्या जो है वो कम की गई होगी और वो दोनों समान होंगे। यानी कि इसके प्रश्न जो होंगे, जब प्रश्न में दोनों वाक्यों में काम की मात्रा समान हो, ठीक है, यानी कि दोनों में काम जो है ना, काम का जो काम दोनों से सेम काम हो, यानी कि किसी और में दिया होगा कुछ घंटे निर्धारित होंगे और कुछ व्यक्ति होंगे, फिर वही काम जो है ना, वही काम करने के लिए व्यक्ति या तो कम किए गए होंगे, घंटे बढ़ाए गए होंगे, या घंटे कम किए गए होंगे, व्यक्ति बढ़ाए गए होंगे, तो उसमें आपको निकालना क्या होगा, काम की जो मात्रा है ना, काम के दिनों की संख्या है, वो निकालनी होगी। फिर से प्रश्न एक बार समझिएगा, प्रश्न क्या होगा, जब प्रश्न के दोनों वाक्यों में, यानी दो वाक्य दिए होंगे, दोनों वाक्यों में काम की मात्रा समान हो, यानी दोनों वाक्यों में काम बराबर हो रहा हो, काम समान हो, यानी कि वर्क जो है दोनों सेंटेंसों में समान हो, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, वो हम लोग आज यहाँ देखेंगे। तो देखिए उसमें होता क्या है, पहले वाक्य का गुणनफल, यानी जो काम दिए गए होंगे, और जैसे कोई कुछ व्यक्ति होंगे कुछ घंटे काम कर रहे होंगे, है ना, तो कुछ व्यक्ति होंगे कुछ घंटे काम कर रहे होंगे, तो उनका एक दूसरे से गुणा कर दिया जाएगा। फिर दूसरा काम जो दूसरा वाक्य होगा, उसमें कुछ व्यक्ति होंगे कुछ घंटे काम कर रहे होंगे या घंटे नहीं दिया होगा, तो उसमें क्या कर देंगे, उसको एक्स मान लेंगे और एक्स मान करके इन दोनों को गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद एक्स का मान निकाल लेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गई होगी थोड़ी सी बात। तो इसमें क्या है, दो सेगमेंट दिए होंगे, तो उन दोनों सेगमेंट में आपको देखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। क्या करते हैं, 12 व्यक्ति अगर काम करें 8 दिन में कर लेते हैं, हाँ घंटा उंटा नहीं दिया हुआ है आपका, तो 12 व्यक्ति 8 दिन में काम करते हैं। फिर कह रहा है, एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, फिर दूसरा यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, 16 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, उसे मतलब उसी काम को 16 व्यक्ति जो हैं कितने दिनों में काम कर लेंगे, यानी 12 व्यक्ति जो हैं, 12 व्यक्ति हैं 8 दिनों में वही काम पूरा करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको जवाब देना होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला मैंने यही बताया कि यहाँ पर 12 व्यक्ति जो हैं, और मतलब पहले वाला जो हिस्सा है तो यहीं तक होगा, तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में काम करते हैं, तो 12 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे घंटा भी दिया होता बेटा, जरा समझिएगा कि 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं 10 और 8 दिनों में काम पूरा होता है, या 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं पर डे और 8 दिनों में कार्य पूरा होता है, तो उसमें क्या होता, 12 × आपका 10 घंटा हो जाता, 8 हो जाता, ये एक पक्ष होता। बराबर दूसरा पक्ष होता तो दूसरे पक्ष में दिया होता 16 व्यक्ति हैं कुछ घंटे वो भी काम कर रहे, मान लो 8 घंटे काम करते, तो 16 × 8 घंटे हो जा, 8 हो जाता, बराबर कितने दिनों में कर रहे होंगे, उसको एक्स मान लेते तब प्रश्न करते। बहरहाल ये अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या देखना है कि पहला जो सेंटेंस होगा, यानी कि पहले लोग जैसे 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 × 8 हो जाएगा, ये एक पक्ष होगा। बराबर होगा कि 16 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, तो दिनों की संख्या नहीं दी गई है, तो इसे हम लोग हमेशा एक्स मान लिया करेंगे, तो ये 16 × x हो जाएगा। यही दोनों पक्षों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या होगा, देखिए पहले वाक्य का गुणनफल करना होगा, गुणनफल पहले वाक्य का, पहले वाक्य में 12 व्यक्ति 8 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो 12 × 8 हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको, 12 व्यक्ति 8 दिनों में काम कर रहे हैं आपका, तो इसको इस रूप में लिख लीजिए, पेन थोड़ा डार्क में कर दे रहा हूँ, 12 × 8, ठीक है, ये हो जाएगा। बराबर कितना होगा बेटा, दूसरे वाक्य में क्या होगा, हमेशा जो दिया नहीं होगा दिनों की संख्या, उसे x मानेंगे, तो x मान लेंगे, 16 × x कर लेंगे बेटा, यही करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप x का मान आपको निकालना है, तो आप चाहें तो पूरी राशियों को इधर कर सकते हैं और इन पूरी शेष राशियों को इधर कर सकते हैं, दोनों दूसरे साइड में आप कर सकते हैं, दोनों स्थितियाँ आपके पास हैं, तो आप चाहे इधर करके कर लें चाहे ऐसे कर लें। तो अगर आप इधर करके करते हैं तो आपका 12 × 8 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना, ये इनटू के साथ होता है, तो ये राशि जब जाएगी तो उसके बटे में हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब यही चीज़ें सेम आप चाहे पलट भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लीजिए आप लोग। इसको आसानी से काट लीजिए, 8 का 9 8 2 16 कट गया आपका एक बार में, 2 से काट दिए 2 6 12 तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको काम को करने में 16 व्यक्ति अगर लग जाते हैं और उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 6 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 12 व्यक्ति जो थे 8 दिनों में कार्य करते थे, तो 16 व्यक्ति लगा दिए जाएंगे तो वो 6 दिनों में ही कार्य को पूरा कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सवाल को। इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं होता है, बस क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 15 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्तियों में से 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिनों तक एक बांध बना लेते हैं, 10 दिनों में एक बांध बना लेते हैं, ठीक है। 10 दिन लगता है, यानी कि टास्क पूरा होने में 10 दिन लगता है। पर डे जो काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस एक हो गया। दूसरा सेंटेंस है, 12 व्यक्ति अगर काम करें और 10 घंटे प्रत्येक दिन काम करें, तो प्रतिदिन काम करें, कितने दिनों में बांध बन जाएगा, यानी वही बांध के लिए अगर व्यक्तियों की संख्या घटा दी जाए, घंटों की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 15 व्यक्ति थे, 8 घंटे पर डे काम करते थे, तो 10 दिन में एक बांध को कंप्लीट कर लिए, तो ये तो एक पक्ष हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर बराबर इसके हो जाएगा दूसरे पक्ष में, 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, उसे एक्स मान लेंगे। समझ में आ गई बात, तो यही कॉन्सेप्ट सीधा आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ये एक पक्ष हो गया, बराबर होता है दूसरे पक्ष के। दूसरा पक्ष क्या होगा, 12 व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो x मान लेते हैं इसको, x का मान कर लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब इस पूरे पक्ष को यहाँ ले आते हैं हम लोग, तो 12 × 10 × x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 8 × 10, ठीक है, ये पक्ष हो गया। अब x का मान हमको निकालना, तो ये शेष राशियां जो हैं इसके नीचे बटे में आ जाएंगी। क्यों मैं लेके आ रहा हूँ बटे में, जिसे काटने में आपको आसानी हो जाए। तो 15 × 8 × 10 बटे में क्या होगा, 12 × 10, ठीक है, यही चीज़ सेम आ गई। तो आपका देखिए 10 10 से कट जाएगा। अब यहाँ से काट लिए 4 से 4 2 के 8, 4 3 12, 3 से हो गया, 3 कटा, आप 3 से 15 को काट दीजिए, 3 1 3 3 5 15 हो जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, 5 × 2, इसका 2, इसका 5, ठीक है, x बराबर ये। तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या होगा, 10 हो जाएगा, 5 × 10, आंसर हो गया ये 10। अब 10 क्या आया कि कितने दिनों में काम करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे बच्चों। क्या समझ में आया, यानी कि प्रश्न में आपको था कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो 10 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रत्येक दिन काम करेंगे तो 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका मेथड था क्वेश्चन करने का और आसानी से आपको जवाब प्राप्त हो गया। इसमें क्या है, ये चीज़ें फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसे प्रश्नों को इन सरल सूत्रों के माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान क्या देना होगा कि जो समय है ना, वो समय क्या कह रहा है, इसमें काम की मात्रा समान, यानी काम वही होगा, कोई एक टास्क होगा, उसी टास्क को पहले कुछ व्यक्ति कुछ घंटों में कर रहे होंगे, फिर वही टास्क में होगा घंटे और आदमियों की संख्या भिन्न कर दी जाएगी, वो वह काम वही काम आपको करना होगा। समझ में आ रहा है आपको ना, कि कोई एक काम करना है, उस काम को करने में कुछ व्यक्ति कुछ घंटों में कर रहे हैं और तब इतने दिनों में पूरा हो रहा है, ठीक। उसी तरह से दूसरा दिया सेगमेंट होगा कि व्यक्तियों की संख्या घटा या बढ़ा दी गई होगी, घंटों की संख्या घटा या बढ़ा दी गई होगी, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करना होगा, ये निकालना हमको होता है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले पक्ष में जो जो दिया होगा, यानी कि अगर व्यक्ति दिया हुआ दिन की संख्या दी हुई, तो व्यक्ति की संख्या और दिनों की संख्या को गुणा कर देंगे, अगर घंटा भी दिया है तो साथ में घंटे को भी गुणा कर देंगे, यानी व्यक्ति घंटा और दिनों की संख्या एक पक्ष में हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, व्यक्ति घंटा और दिनों की संख्या चूंकि निकालनी होती है, तो उसे x मान लिया जाएगा हम लोग। फिर x मानने के बाद में जैसे इस प्रश्न में किया गया है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन, जवानी क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, काम और टाइम ऑन वर्क का जो आपका चैप्टर है, ये भी बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जा रहा होगा। दोस्तों ऐसा ही अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों के जीवन में जो भी आप लोगों के लिए हम बेहतर कर सकें, वो भरसक प्रयास हमारी टीम हम लोग कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।